हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। ओफो, बच्चों के स्कूल खुल गए। रोज रोज टिफिन में क्या आते समझ में नहीं आता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ गेहूं के आटे का ऐसा पराठा जिसे आप सुबह के बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हो। टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बॉल में हम एक कप गेहूं का आटा ले लेंगे। यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी 2 चम्मच ली हूँ और 2 चम्मच यहाँ पे आपको बेसन डालना है। अब डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक और साथ में 1 चम्मच यहाँ पे हम तेल डाल देंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हो। और इसको पहले हम ड्राई मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक आटा गूंद लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट आटा गूंद लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से आप पानी ऐड करें और उसके बाद एक अच्छा सा आटा इसका तैयार कर लें। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। तो इसे हम बस 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 2 मिनट के बाद आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। इसे एक बार और अच्छे से गूंद लेंगे जिससे ये और भी सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे गूंद लिया है। अब एक हिस्से को तोड़कर एक पेड़ा का शेप दे देंगे। जैसे रोटी बनाने के लिए हम एक छोटा सा पेड़ा बनाते हैं, उसमें हल्का सा गेहूं का आटा को डस्ट कर लेंगे और उसके बाद अब हम इसे जैसे रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गोल रोटी हम इसे बेल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गोल रोटी अच्छे से बेल लिया है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का मैंने इसे बेल लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, क्रश किया हुआ पनीर ऐड करेंगे। तो इस जगह पे आप आलू भी ऐड कर सकते हो, चीज़ भी ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप पनीर ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास पनीर था तो यहाँ पर मैं पनीर ऐड कर दे रही हूँ। उसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था। तो इस तरह से, तो यहाँ पर मैं ना जो पराठे बना रही हूँ ना वो स्क्वायर शेप में बनाऊँगी, चौकोर। तो यहाँ पे मैंने अपना अपना मनपसंद शेप बना सकते हैं। आपके बच्चे को जो भी पसंद आए ना, आप वो शेप का बच्चे को बना के दे सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से पनीर को रैप कर लिया है, मोड़ लिया है। अब क्या करेंगे ना, इसके ऊपर अब हम डालेंगे कटी हुई लहसुन। अगर आपके बच्चों को पसंद ना हो ना तो आप स्किप कर सकते हो। फिर साथ में हरी मिर्च और यहाँ पर मैं रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, ये ऐड कर देंगे। और साथ में हरा धनिया। अब इन सबको आपको बहुत अच्छे से बेल लेना है। अगर आपको बेलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो यहाँ पे आप सूखा आटा लगा सकते हैं। तो सूखा आटा लगाकर हम एक रोटी का शेप इसे बेल लेंगे, पराठे का शेप में। ये देखिए, ये इस तरह से तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, हमने एक पराठा बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे गरम गरम तावे में डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा बन के ये तैयार होता है और बहुत ही झटपट से ये बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और उसके बाद इसके हम दूसरे तरफ क्या करेंगे ना, यहाँ पे हल्का सा तेल लगाएंगे। तेल भी बहुत कम लगता है इसमें। आप घी भी लगा सकते हो, तेल भी लगा सकते हो, आप बटर भी लगा सकते हो। और हल्का हल्का दोनों तरफ हम तेल लगा के गोल्डन फ्राई होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, देखने में जितना ही खूबसूरत है ना, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें गेहूं का आटा यूज़ किया है और बहुत ही कम तेल में हमने इसे बना के तैयार किया है। तो आप इसे बच्चों के टिफ़िन में या हस्बैंड के लंच बॉक्स में दें। इसमें आप सिर्फ सॉस से ही देंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए या हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ज़रूर ट्राई करिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।